सब लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है थर्ड आई। तो फर्स्ट सब क्या सोचते हैं कि मैं अतेंद्रिय शक्ति मुझे मिल जाए और मैं एक अतेंद्रिय शक्ति से मैं सब चीजों को जानूं और देखूं। ये सबकी एक सपना है और खास मेडिटेटर्स को और स्पिरिचुअल लाइन में जो भी इंसान है फिर उनको बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके, मगर ये आती कैसे है? अभी हम फिलहाल ABCD से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसीलिए इस पे बहुत सारे स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट कभी भी कोई भी काम हमको कंप्लीट होना है तो हमारा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए और बेसिक हम परफेक्ट रहना चाहिए तभी हम आगे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इस क्लास पे हम फर्स्ट थर्ड आई की फर्स्ट सेशन में हम बेसिक्स पे जा रहे हैं। तो आप सब लोगों को थर्ड आई की ऊपर जितने भी एक इम्प्रेशन है और एक सोच है, एक विजुअलाइजेशन है, वो सब सबसे पहले आपके दिमाग में से कंप्लीट निकाल दीजिए। वरना तो मैं क्लास तो बोल रही हूँ मगर आप अपनी माइंड में एक इम्प्रेशन, एक सोच लेके बैठे हो, फिर वो एक्सपेक्टेशन जैसा क्लास नहीं है ये सोचते हो, फिर आपको पसंद नहीं आएगी। क्योंकि अभी हम ओनली एंड ओनली रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी फैंटेसी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। ओके, सो रियल इज डिफरेंट एंड आपने जो सोच रखा दैट इज डिफरेंट एंड यूट्यूब में कोई पिक्चर्स में इधर उधर जो दिखाते हैं फैंटेसी, तो दैट इज डिफरेंट। ओके, सो जब भी आप क्लैरिटी से रियलिटी को देखने लग जाओगे तो आपकी लाइफ में फैंटेसी हो जाएगा। पहले आपको कुछ भी नहीं मालूम चल के आराम से बैठे एक फैंटेसी पिक्चर को आप देख रहे हो तब आप रियलिटी को नहीं देख सकते हो। ओके, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। ओके, एंड इस क्लास को हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सो नाउ व्हाट इज थर्ड आई? सो थर्ड आई फिजिकल है, नॉन फिजिकल है? थर्ड आई फिजिकल भी है एंड नॉन फिजिकल भी है। फिजिकली थर्ड आई का मतलब हम पीनल ग्लैंड जो है उसको हम थर्ड आई बोलते हैं, और नॉन फिजिकली पीनल ग्लैंड की जो एबिलिटी है कई चीजों को बिना आंख खोल के देख के भी उस फिजिकल या नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट को हम समझे, उसको हम साइकिक एबिलिटी बोलते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू होती है। सो अभी हमने थर्ड आई को एक्टिवेट तो कर लिया, हो गया, मगर आपको कई चीजें दिखने लग जाती हैं और उन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल कुछ भी चीज जैसी आत्माएं दिख गई, सोल्स दिख गए, और किसी चीज की नेगेटिविटी दिख गई है, और इसका पास्ट दिख गए हैं, इसका फ्यूचर दिख गए हैं, तो उस चीज से आप क्या करोगे? व्हाट डू यू डू विद दैट? ये भी आपको मालूम चलना चाहिए। आपको एक सोल दिख गया, एक एंजल दिख गया, या तो किसी की बॉडी हायर डायमेंशन पे नहीं गया, वो नीचे ही है, वो दिख गया, तो उसको क्या करोगे आप? उसको देख के डर जाओगे, फिर आप डरोगे तो मनोनेत्र दोबारा ब्लॉक हो जाएगा। आप जैसे सोच रहे हो हर चीज सुंदर जैसा, वैसा हर चीज सुंदर नहीं होती है। आप जैसे सोच रहे हो कि थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो मैं एंजल्स को देखती हूँ, जो पिक्चरों में दिखाते हैं एंजल का मतलब व्हाइट कलर की पिंक कलर की गाउन पहन के, एक हाथ में जादू की छड़ी पकड़ के, फिर वो नीचे आती है, वो ही एंजल नहीं होते हैं। इसका रूप भी भयंकर हो सकता है, कई चीजें हो सकते हैं। जैसे शिव जी की जो प्रणम गण है और भूत गण है वो भी शिव जी की डिसाइपल्स है, मगर वो सुंदर तो नहीं होती है। शिव जी के पास जो सांप है वो सुंदर नहीं है, और दुर्गा देवी के पास जो शेर है वो सुंदर नहीं है। आपने दुर्गा देवी की एनर्जीज को बुलाया, पहले आपने थर्ड आई से उस लायन को या टाइगर को आपने देख लिया, उनकी एनर्जी को देख लिया, उनकी नॉन फिजिकल रूप को आपने देख लिया, शिव जी को आप बुला रहे हो, शिव जी को कनेक्ट कर रहे हो, फिर शिव जी के गले में जो सांप को आपने देख लिया, उसकी एनर्जी आपने देख लिया, पहले आप डर जाओगे। गॉट इट? सो जो आप सपने में देख रहे हो, टीवी में जो देख रहे हो, अभी जो विजुअलाइज कर रहे हो, वैसा नॉन फिजिकल चीजें नहीं होती है। आपने शिव जी का मतलब जो भी पोस्टरों में अभी तक जो देख लिया उसी को शिव जी समझ रहे हो, फिर शिव जी उस रूप को छोड़ के दूसरा रूप में आपके घर पे आएगा तो आप इनको पहचानोगे नहीं। आपके हाथ में त्रिशूल कहाँ है, डमरुक कहाँ है, ऊपर गंगा कहाँ है, गले में सांप कहाँ है, ये है तो ही आप सोच रहे हो ये शिव जी है। नो,
इनकी एनर्जी के कई रूपे होते हैं, इंसानों में इनकी पावर होती है, कई वस्तुओं में पावर होती है, कई नॉन फिजिकल थिंग्स में भी, फिजिकल थिंग्स में भी इसकी पावर होती है। उन पावरों को हम पहचानना ही हमारा थर्ड आई है। नॉट ओनली वो वस्तु वैसा ही आपके पास आएगा। सो, अभी तक आपकी माइंड में हर चीज के ऊपर आपकी जो भी जजमेंट थी और इंप्रेशन थी, और आपने जो इंप्रेशन अंदर रख रखे हैं, उन सब चीजों को आपको डिलीट करनी पड़ेगी, तभी आप सच को देख सकते हो और हर चीज में शिव कहाँ है और एनर्जीज कहाँ है, जो 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं उनको किस किस की एनर्जी किस 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 चीज के ऊपर है, नवग्रह की एनर्जीज किस वस्तु सामग्री में है, नेगेटिव एनर्जी कहाँ है, ये सब चीजें आप आंख बंद करके जैसे ओनली आप फील करके पता चल सकते हो। आप एक डब्बे खोला, उसके अंदर शुगर है, चीनी को आप चीनी समझ रहे हो, मगर डब्बे की एनर्जी अच्छी नहीं है, इसकी वजह शुगर के अंदर नेगेटिविटी आ गई है, वो चीज आप देख नहीं सकते हो। चीनी को मुंह में डाला तो वो मीठा है, तो चीनी है, डब्बे के अंदर है, मीठा है, ये तीन चीज ही आप देख सकते हो। डब्बे के अंदर एनर्जी अच्छी नहीं है या चीनी कहीं से आ गए हैं, फिर उसका एनर्जी ठीक नहीं है, वो खाने से हमारा ऑरा डिस्टर्ब हो रही है, ये आप कैसा फील करके बता दोगे? जब आप चीनी को मीठा रहती है, इस इंप्रेशन आपकी माइंड में नहीं रह के आप जीरो में रहते हो, तब इसकी सच्चाई आपको पता चल जाती है। कोई आपके सामने आम काट रहे हैं, इसके ऊपर नमक मिर्ची डाल रहे हैं, आप उसको देख लिया, इधर ही आपके मुंह में से पानी आना शुरू हो जाती है। Why? Because आपने पास्ट में जब कच्ची केरी को खाया था और इसको नमक मिर्ची डाल के खाया था, ये ऐसी रहेगी, आपने पास्ट एक एक्सपीरियंस कर लिया था। सो, इसकी वजह आपकी आंखों के सामने वो काम हो रही है, उसको देखते ही आपके मुंह में से पानी आ रही है, मीन्स बॉडी के अंदर बहुत बड़ी केमिकल रिएक्शन हो रही है। आप जो देख रही हो उसको आप फील कर रही हो, आपके पास वो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आप करके आपके अंदर की सारे केमिकल रिएक्शन हो रही है। सेम टू सेम ऐसा ही आपने पास्ट 7 लाइफ्स में किसी भी इंसान से, वस्तु से, किसी रिश्ते से, आपने वहां बहुत स्ट्रगल फेस किया है, बहुत प्रॉब्लम्स फेस किया है, तो आपने उस रिश्ते के ऊपर, उस लाइफ के ऊपर जो भी नेगेटिविटी है वो आपने इंप्रेशन डाल दिया है। सासू माँ का मतलब ऐसा ही होता है, हस्बैंड का मतलब ऐसा ही होता है, मीन्स चावल खाया तो हम मोटे होते हैं, नाच खाया तो तबीयत खराब होती है, रात को खाना नहीं खाना है, सर्दी में दही पिए तो, दही खाए तो जुकाम होती है, ये आपने इंप्रेशन डाल के रखे हैं, ये सच नहीं है। This is your opinion, और आपने ये opinion में था, इसकी वजह आपकी body वैसे react हो रही है। जो चीज वैसी है उसके through हमने bend हो गया और उसके under guidance को ही हम काम कर रहे हैं, तो हमारा spirituality क्या है? तो फिर normal person हो गए ना, तो हमारे ability क्या है? कोई भी चीज unsuitable है, unstable है, उसको भी हम सूटेबल करना और इसको भी स्टेबल करना ही हमारा स्पिरिचुअल पावर है। यस, एंड आपकी आंखों से एक वस्तु दिख रही है, आपने उसको देख रही हो, आपने सोचा है कि ये फलाना है, मगर वो ही होने की कोई रूल नहीं है। सो, अभी इस 7 क्लासेस में, 7 डेज में हम जो भी पास्ट हमने 7 लाइफ्स में हमने जो पास्ट जी लिया है, वहां हमने क्या क्या तकलीफें, प्रॉब्लम्स फेस किया है, जिसकी वजह हमने हमारा साइकिक एबिलिटी को हम खुद बंद कर लिया, उनको अभी हम क्लियर करके वो एक एक लेयर को खोलने वाले हैं। अभी आपको कोई भी सडनली कुछ अचानक कोई भयानक चीज आप देखते हो, तो फर्स्ट क्या करते हो? आंख बंद करते हो, यू क्लोज योर आईज। वैसा ही आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी अनवांटेड बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो फर्स्ट आप क्या करते हो? आपकी मनोनेत्र को बंद कर लेते हो। यू डोंट वांट टू सी इट, यू डोंट वांट टू फेस इट, यू डोंट वांट टू एक्सपीरियंस इट, है ना? ये तीनों चीजें आपको नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? अच्छी अच्छी चीजें चाहिए,
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दिखना चाहिए और कूलिंग होना चाहिए और आपको मन की पसंद होना चाहिए और आंखों में देखने के लिए एक खूबसूरती और अच्छी और आपको दिलखुश होना चाहिए, वैसा ही चीजों को आप देखना पसंद करते हो। दुख को, गर्मी को, भय को, गंदगी चीजों को आप देखना नहीं चाहते हो। जो भयानक है वो चाहे एटमॉस्फेयर से आई है, प्रलय से आई है, कुदरती से आई है, किसी सपने में आई है, कोई आपने खुद बुलाया है कोई चीजों को तो उससे आई है, या किसी रिलेशनशिप से वो दुख आई है, ये कोई भी चीज आप देखना नहीं चाहते हो। हम इस धरती पे आया क्यों है? एक्सपीरियंस लेने के लिए आया है। एक्सपीरियंस कूलिंग में और मीठा में नहीं होती ना, कूलिंग और मीठा और ब्यूटीफुल तो नहीं होती है एक्सपीरियंस। कड़वा, दुख, भयानक ही एक्सपीरियंस होती है। उसको भी हम बाहर निकलते हैं तो वो ही स्पिरिचुअलिटी है, सोल ट्रेन होती है और एनलाइटमेंट की पाथ के थ्रू जाती है। गार्डन में बैठा हुआ इंसान को दुख मालूम नहीं है, वो कितने साल भी वहां बैठे रहते हैं, इसके कई चीजों की फीलिंग ही मालूम नहीं। जब अपने धूप में बैठा है, बहुत सारी चीजें काम कर रहे हो, जब आपको पसीना आती है, भूख लगती है, आपकी माइंड में आप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पैसा कैसा कमाना चाहिए, शैडो कहाँ मिलती है, कहाँ भागना चाहिए, कई चीजें आप सोचने लग जाते हो। अब जितने भी लोग क्लास में है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो ही आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने के लिए यहां तक आए हैं। आपको कोई परेशानी नहीं है तो आराम से एसी ऑन करके आप सीरियल देखते हो, आप सीरियल देखते थे तो इधर तक क्यों पहुंचे हैं? तो ये है फ्रेंड्स, तो हमने जो भी हमारा लाइफ में पास्ट में हो गए हैं, उसके लिए हमने जो हमारा मनोनेत्र को ब्लॉक कर लिया है और उसको देखना नहीं चाहते हैं और वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं, हम वो टॉपिक पे हमने हमारा मनोनेत्र को बंद कर लिया। किसी ने क्या किया, अपने बच्चे सही नहीं है, वो बहुत परेशान कर रहे हैं, तो वो लोग एफर्मेट ये करते यार कि जिसको बच्चे नहीं है उन्हीं की जिंदगी अच्छी है। अब ये बच्चे करके हम बर्बाद हो गए हैं, अगली जन्म में मुझे जिंदगी मिलता है मैं बच्चे नहीं करूंगी, करते ना बोलते ना लोग, और मैं अगली जन्म में शादी नहीं करूंगी, मैं अगली जन्म में कंपल्स ये गर्भगृहस्थी नहीं करूंगी, सन्यासी बन जाऊंगी, ये कौन करेगा? ऐसे जनरली हम डेली डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें हम जो हमारे पास है जिससे हम अनुभव कर रहे हैं वो हमको कैसा टारगेट करना है मालूम नहीं चल के, वो काम ही हमको नहीं मिले तो अच्छा है बोल के उसको हम हमारे लाइफ में से डिलीट कर रहे हैं, या इस फ्लो ऑफ एनर्जी को हम बंद कर रहे हैं और इसको क्लोज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट जन्म में क्या करते हैं, वो डोर क्लोज हो गए हैं, अब इसको ओपन करने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, फिर हायर बींग्स को प्रेयर करते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, फिर कुंडली में आप दिखाओगे फिर वो योग नहीं बनती है, बिकॉज आपने एफर्मेट कर लिया था ये बंद होना चाहिए, ये बंद हो गए हैं। किसी को शादी के लिए बंद हो गए हैं डोर्स बंद है, किसी को बच्चों के लिए डोर्स बंद है, किसी को नॉलेज के लिए डोर्स बंद है, किसी को फाइनेंस के लिए डोर बंद है, किसी को रिलेशनशिप के लिए डोर बंद है, फिर वो डोर खुलना चाहिए, क्योंकि वो नहीं है तो इंसान नहीं जी सकता है, मगर उस वक्त आपको मालूम नहीं चल के आपने वो डोर्स को बंद कर लिया, फिर इस जन्म में उस चीज की कमी हो गया, फिर ये कैसा कमी को पूरी करना है, फिर ईश्वर दे दे, राहु ग्रह दे दे, शुक्र ग्रह दे दे, वो नक्षत्र दे दे, श्री मैम दे दे, पत्री सर दे दे, पिरामिड दे दे, क्रिस्टल दे दे, सुब्रमण्य स्वामी दे दे, अगस्तिनाड़ी दे दे, फिर सप्तऋषि दे दे, फिर बाग शुरू, फिर पूरी लाइफ एक एफर्मेट हमने गलत एफर्मेट कर लिया, पूरी लाइफ वो एक की कमी, एक चीज की कमी है, उसको फुलफिल करने के लिए पूरी स्ट्रगल होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, है या नहीं? बहुत सारे फेसेस में मैं देख सकती हूँ अपनी गलती याद आके वो मुस्कुरा रहे हैं बहुत सारे लोग, है ना? सो ये प्रॉब्लम है ना संगीता जी, बहुत सारे लोग हाँ भर रहे हैं। तो अभी हमको 100 तरीका की प्रॉब्लम्स नहीं है, एक प्रॉब्लम है वो हो ही नहीं रही है, अब इसको कैसा होता है मालूम नहीं है। और दूसरा बात क्या है, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, मीन्स शादी हुआ फैमिली की कमी नहीं है, बच्चों की कमी नहीं है, हर फैसिलिटी है, मगर एक काम नहीं हो रहे हैं। चलो फिर एक काम नहीं हो रहे ना, तो हमको वो काम नहीं होना है तो हमको वो आइडिया ही नहीं आते। जैसे हमको, हम डॉक्टर हैं,
तो हमको डॉक्टर की उस प्रोफेशन में सक्सेस नहीं मिल रहे, तो भगवान हमको डॉक्टर ही नहीं बनाता। आराम से एलकेजी में ही पढ़ाई नहीं आता तो घर में आराम से बैठ जाती तो खेती बाड़ी कर लेती, मगर डॉक्टर तक लेके गया और वहां सक्सेस नहीं दिया। इंजीनियर तक लेके गया, फिर वहां हमको जो माइंड में आया थॉट आया वहां तक हमको सक्सेस नहीं पहुंचाया। फिर एसी रूम और जॉब तो दिया, वहां हमको कुछ कोई ना कोई परेशान करने वाले को दिया, बहुत बढ़िया ससुराल की घर दिया, वहां एक बंदे ऐसे रख रखे तो ठे 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 करते रहते हैं, है ना। बच्चों को दे दिया, खूबसूरत बच्चे हैं और बहुत अकलमंद है और शक्ल से ब्यूटीफुल है, हमारा बात नहीं सुनते हैं। सो ये सारे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स नहीं है, ये आपकी विजन को, इस प्रॉब्लम को कैसे बीट आउट करना है। आपको विजन नहीं आ रही है, आपको थॉट नहीं आ रही है, आपकी एनर्जी बराबर नहीं हो रही है। विश्व में ये सारे काम होते हुए लोग भी हैं, मगर आपको नहीं हो रही है। ऐसा नहीं दुनिया में किसी को नहीं हो रही है, आपको नहीं हो रही है। इसका मतलब आपकी विजुअलाइजेशन में इस काम को कैसा करना है आपको आइडिया नहीं आ रही है। ये आइडिया ब्रेन में पैदा नहीं होती है या ब्रेन में ऑलरेडी रिकॉर्ड नहीं होती है, इसका इंफॉर्मेशन यूनिवर्स में होती है और सबको एक कॉन्सेंट्रेशन से उस काम के ऊपर हम टारगेट लगाते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उसकी रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन हमारा पीनल ग्लैंड में, पीनल ग्लैंड इसको ऑब्जर्व करती है, फिर वहां से हमारा ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन मिलके फिर उन चीज को हम कंप्लीट करते हैं उस वर्क को। एक शेर है, एक लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, तो जो मैं सर्कस ट्रेनर क्या करते हैं उसको ट्रेन करते हैं और इसको सर्किल बना के उस सर्किल में खड़े करते हैं और इतना बड़ा शेर जो इंसान को खा जाती है उससे भी नाच नचवा देते हैं, इसको भी जोकर बना के खड़े कर देते हैं। फिर वो शेर वो ट्रेनर नहीं है, जो भी सर्कस देखने के लिए आया उसको क्या करती है, खा जाती है। तो हम क्या करते हैं, अभी तक तो हम शेर को देख के वाह 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 जो कर रहे हैं, क्या करते हैं, हम भाग जाते हैं। फिर हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको ट्रेन करना है हमको, वरना तो वो शेर हमको खा जाती है, प्रॉब्लम हमको खा जाते हैं, वरना तो हम प्रॉब्लम को नाच नचवा लेंगे, चाहे कुछ भी आने दो, चाहे कुछ भी आने दो। सो प्रॉब्लम इज नॉट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो ऑर्गन काम नहीं करना हमारा प्रॉब्लम है। अब लाइफ में थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स और थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज डेली आती हैं, हर एक एक्टिविटी के लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए एक एक क्रिस्टल यूज करके, एक दिन एस्ट्रोलॉजर, एक दिन न्यूमरोलॉजी, एक दिन वास्तु वाले, एक दिन टैरोटो कार्ड वाले, एक दिन मेडिटेटर वाले, फिर किस किस को कंसल्ट करेंगे हमारे लाइफ में, कितने लोगों के पास जाएंगे, एक कुंडलिनी शक्ति, एक शक्तिपात, एक हिमालयन गुरु, एक साउथ इंडियन गुरु, सबके पास जाती रहेंगे क्या जिंदगी में। सो उनके पास क्या है, अपन के पास क्या नहीं है, सबके पास यही है, बस उन लोगों ने उसको एक्टिवेट कर लिया था, उन्होंने उसके ऊपर होमवर्क कर लिया था, एक्सरसाइज कर लिया था, हम बिजी हो गए थे प्रॉब्लम के साथ, तो हमने सॉल्वेशन के लिए जो भी पार्ट है उसके ऊपर हमने दिमाग नहीं लगाया था, उसके ऊपर हमने एक्सरसाइज नहीं करा था। अब हमारे पास भी मौका आई है तो हम भी सॉल्व करने के लिए जो भी ऑर्गन है उस ऑर्गन को एक्टिव करेंगे। फिर ये ऑर्गन जब एक्टिव होती है तो हम हमारे नहीं किसी भी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने जैसा क्षमता में हमारी एनर्जी रेज हो जाती है। ओके, सो हम सब क्या होते हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, शिवा, इनकी कॉन्शियस के थ्रू चलने लग जाते हैं। ओके, व्हेन यू आर इन अ प्रॉब्लम यू बिकम रुद्र, व्हेन यू आर इन अ हैप्पी मूड यू बिकम शिवा। सो अभी तक रुद्र के रूप में हम अपने आप में जलते रहे, अपने आप में कोयले जैसी बर्नआउट होते रहे और हमने अपने आप को बहुत तरीका के सोच विचारों से, एंग्जाइटी से, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ को एक सोच विचार की वजह बहुत बर्नआउट कर लिया, बस अब बस हो गया, बस हो गया। चेंज टाइम, जब चेंज आती है
जैसे मौसम के अंदर जैसे चेंज आते हैं, सबको एक ही बार धूप आती है, सबको एक ही बार कूलिंग आती है, जैसे सबको एक ही बार बारिश आते हैं, अभी भी हमारे लाइफ में कुछ और चीज बरसने के लिए टाइम आ गए हैं। तो इसको हम आज से 7 days कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले थोड़ा सा छोटा सा पीपीटी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप यू कैन सी दिस पीपीटी। फर्स्ट पीपीटी आई वॉन्ट। ओके, सो ये हमारा पीनल ग्लैंड है, आप देख रहे हो, दिस इज अवर ब्रेन। ब्रेन के अंदर मैं ग्रुप में भेज देती हूँ, क्रिस्टल एम्पायर सीरी ग्रुप में ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। ये छोटी सी पीनल ग्लैंड है, आप ज्ञान का मतलब समुंदर जितनी नहीं है, एक बूंद जितनी है। ये आप कई जगह सुने होंगे, एक बूंद का ज्ञान है ना जिंदगी को बदल जाती है, वो एक बूंद ये है हमारा पीनल ग्लैंड जो ब्लू कलर में इधर आपको दिख रही है। ओके, सो ये पूरा बॉडी के बॉडी को और माइंड को ये कंट्रोल कर रही है। जब भी आपने जितना आपको सोचना था, जितना आपको फाइट करना था, जितना आपको स्ट्रेस लेना था, एक काम नहीं होने की वजह आंख खोल के वो काम नहीं हुआ, आपने ये आंख बंद करा और अपनी पीनल ग्लैंड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करा, वो ग्लैंड जब काम करना शुरू कर लिया, यूनिवर्स में से आपने किसी भी डायमेंशन में से, मीन्स 5th dimension, 8th dimension, 15th dimension, 24th dimension, किसी भी डायमेंशन में से और स्टार वर्ल्ड में से और गैलेक्टिक मास्टर्स से भी और ग्रहांतर वासियों में से भी किसी से भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, यह पीनल ग्लैंड ले लेती है। जैसे आपकी टीवी एक सैटेलाइट को कनेक्ट हो जाती है बाहर आपकी डिश की वजह, ये आपकी डिश है जो सैटेलाइट को कनेक्ट करके आपकी टीवी के अंदर जैसे प्रसार आती है, आप इधर रिमोट से जो चैनल चाहे हो आप वो देख के आप जैसे एंटरटेनमेंट लेते हो और नॉलेज लेते हो, वैसा ही ये पीनल ग्लैंड एक डिश है आपको सैटेलाइट से, यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए। इस पीनल ग्लैंड को आप जैसे चार्ज कर देते हो, फिर आपको जो चाहिए वो चैनल आप देख सकते हो, गाना चाहिए गा लो, डांस चाहिए डांस कर लो, फिर लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, ओनली वो टास्क को कंप्लीट करना है। ओनली क्या रहती है, टास्क को कंप्लीट करना रहती है, नॉलेज आ जाती है। अभी लाइफ में फेलियर का मतलब क्या है, काम नहीं करने की वजह नहीं, जो काम किया वो सक्सेस नहीं मिलने की वजह है। वो सक्सेस क्यों नहीं मिला, सक्सेस कैसा मिलता है, वो आपको नॉलेज नहीं आया। बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रहे, हाथ से काम कर रहे हो और ब्रेन से सोच नहीं आ रही है। आपकी इंटेलिजेंसी फ्यूचर में, आज ये काम करते हो तो फ्यूचर में आपके रिजल्ट क्या मिल सकते हैं, आपको वो विजन नहीं था। तो आज के हाथ में काम तो आपने कर लिया मगर इसका रिजल्ट सही नहीं मिला। सो ये प्रॉब्लम कहाँ है, विजन में है। सो इस विजन को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन से है ये। गो फॉर सेकेंड पीपीटी। यस यस यस। सो इस सेकेंड पीपीटी में हम ये आप क्लियरली देख सकते हो आपकी ब्रेन में, दिस इज पीनल ग्लैंड एंड दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी हम पीनल ग्लैंड के ऊपर बात कर रहे हैं, वो इतनी सी एक बूंद जितना है, एंड दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। इन दोनों के बीच में एक होती है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के बारे में धीरे धीरे आगे जाते हम समझेंगे। फिर ये पीनल हाइपोथैलेमस क्या करती है, हायर डायमेंशन से जो भी इंफॉर्मेशन आया वो ऐसा नहीं हिंदी भाषा में आएगी, ऐसा नहीं तमिल भाषा में आएगी, वो एक वाइब्रेशन के थ्रू, एक लाइट लैंग्वेज, इसको आहा लैंग्वेज बोलते हैं, उस लाइट लैंग्वेज के थ्रू किसी भी, हम जैसे एक एक स्टेट वाले एक एक लैंग्वेज जो बात कर रहे हैं, वैसा एक एक डायमेंशन के लोग एक एक वाइब्रेशन लैंग्वेज में जो भी बात करते हैं, उस वाइब्रेशन को ये हाइपोथैलेमस एब्जॉर्व करके अभी हमारा ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स को जो लैंग्वेज टंग ट्विस्ट हमको आती है उस पे वो कन्वर्ट करती है, दैट इज हाइपोथैलेमस। और मींस मेरा हिंदी इतना सुपर नहीं है, जेंट्स जेंट्स बनने के लिए, लेडीज लेडीज बनने के लिए, और इसके अंदर हॉर्मोन्स की सेक्रीशंस परफेक्ट होने के लिए और फीलिंग्स आने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस इज गोइंग टू वर्क। ओके, तो कई लोगों को जैसे जेंट्स को लेडीज जैसा फीलिंग, लेडीज को जेंट्स जैसे फीलिंग, और कई चीजों की इसकी
बॉडी बिहेवियर, लैंग्वेज, कपड़े पहनना, ये सब चीजों में वो फर्क इधर हाइपोथैलेमस की वजह आती है, बिकॉज बॉडी के अंदर ऑर्गन सपोर्ट कर रही है मगर फीलिंग सपोर्ट नहीं कर रही है. बॉडी के अंदर ऑर्गन सपोर्ट नहीं करना, नहीं, ऑर्गन तो सपोर्ट कर रही है मगर फीलिंग सपोर्ट नहीं कर रही है. अब ये जब तक फीलिंग सपोर्ट नहीं करती है, यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट बॉडी. ओके, सो इधर भी हम कई बार हमारे ऊपर कई सोल इफेक्ट हो जाती है, या और कई एंसेस्टर्स हायर डायमेंशन पे नहीं जाते हैं, फिर वो लोग भी नीचे, मींस इंडिया में हर 20,000 लोगों में एक दूसरों से डीएनए हम मैच हो जाते हैं. जैसे ब्लड ब्लड कैसे मैच होते हैं, ए ग्रुप बी ग्रुप, जैसे ओ पॉजिटिव बी पॉजिटिव एक दूसरों के कैसे मैच होती है, वैसे डीएनए भी मैच होती है. इंडिया में हर 20,000 लोगों में एक के एक डीएनए मैच हो जाती है. फिर जिसका डीएनए मैच हो गया, फिर वो सोल हायर डायमेंशन पे जा नहीं पाया है इधर बॉडी वेकेट करने के बाद, फिर वो लोग आके हमारा ऑरा डाउन है तो आके हमारा ऑरा के अंदर रहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज सोल इफेक्ट. तो अभी तक आपको कॉफी पसंद है, सडनली आप चाय पसंद करना, जैसे सोल को जो पसंद है वो ही खाते हो, वो ही पीते हो. अभी तक तो अच्छा है, सडनली ये दारू पीने लग गया, कोई इंस्टेंट हो गया है हमारे लाइफ में, तो हम बहुत दुखी हो गया, वहां से हम रिकवर कर नहीं पाया. क्यों? आपने अपनी एनर्जी लेवल को, जब लाइफ में कोई एक बात, इतना बड़ा लाइफ में एक बात तो होती ही होती है, एक बार तो इंसान के साथ कुछ दुख, कुछ आस्था, कुछ एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ होती है. वो होने की वजह उस वक्त क्या होता है, इंसान बिल्कुल डिप्रेशन में आके अपना एनर्जी को लो कर लेता है, और सुसाइड करने की या सब चीजों को खत्म करने की, या तो कोई नशा करके अपने आप को फिर सही रखूंगे मैं बोल के, फिर गलत चीजों के ऊपर वो दिमाग से सोच लेता. जैसी वो अपना इतना एनर्जेटिक पर्सन इतनी लो लेवल पे आ जाता है, तो ये बैड सोल्स को बंपर ऑफर मिल गए जैसी हो जाती है. जैसे आपको 1,00,000 रुपए की कोई चीज, कोई बंपर ऑफर मिलके यूट्यूब में 50,000 रुपीज बोलता है, तो तुरंत आप ग्रैब करने की कोशिश करते हो ना. जैसे 5,000 रुपए की ये सोने की चीज है, तो आपको 1,000 रुपए की कोई बंपर ऑफर दे रहा है, तो पहले तो आप ग्रैब करने की कोशिश करते हो, नहीं करते हो? फिर ऐसा ही अच्छा एनर्जी वाला सोल, बहुत सारे पुण्य कमाया हुआ सोल, और बहुत सारे मिनरल कॉम्पोजिशन बॉडी के अंदर, कई चीजें भरपूर है, तो वो लोअर डायमेंशन वाला आपको क्यों छोड़ेगा? तो उसको बंपर ऑफर मिल गया, ये ले आपको पकड़ ली, इसके बाद से आप उस चीजों से बाहर आना चाहते हो, तो आप अपने आप बाहर नहीं आ पाते हो. तब आपको एक गुरु चाहिए, या तो एक क्रिस्टल जैसी हायर एनर्जी की चीज चाहिए, या कोई ना कोई शक्ति पात्र, या कोई होम, या बड़ा हायर पावर के कोई मंत्र, या बड़े बड़े पिरामिड्स जो बनती है उसके नीचे बैठना, फिर वो चीज आपको छोड़ के जाना है. फिर इतना बड़ा डोसेज आपको चाहिए होती है. जितना लोअर लेवल की दुख आपने पाया है, ये नेगेटिव चीज आके आपको अटैक हो गए हैं, फिर उसको आपके अंदर से बाहर निकालने के लिए आपको उतना पावर चाहिए. घर में किसी की डेथ हो गया, या किसी की हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, किसी को कोई बड़ा ऑपरेशन वगैरह हो गया, उसको देख के आपको बर्दाश्त ही नहीं हुआ, आपसे संभाल नहीं पाया, तो आपने डाउन पे आ गया. उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए, उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए यूनिवर्स में क्या क्या रास्ता है, वो आपको इनवाइट करके आपकी दिमाग में हाइपोथैलेमस को, पीनल ग्लैंड को यूज करके आप बाहर आना चाहिए, और वो सिचुएशन को आपको हैंडल करना चाहिए. दैट इज सोल एनलाइटमेंट है ना. नॉर्मल इंसान जैसे दुख हो के आप नीचे आ जाओगे, तो फिर फायदा क्या हुआ, फिर स्पिरिचुअलिटी के मतलब क्या है? ओके, सो दिस इज वन ऑफ द रीजन. एंड नेक्स्ट, ये थर्ड आई को इजिप्शियंस की कई पिक्चर्स में आप देख सकते हो, है ना, और हमारा शिवा की थर्ड आई बोलते हैं, इन कई चीजों से देख सकते हैं. इसको एक्चुअली बोलते हैं इनर बर्ड, अंदर की चिड़िया, इनर बर्ड बोलते हैं. तो ये एक्चुअली ये बर्ड की शेप में होती है, ये आप देख रहे हो ना, ये बर्ड की शेप में होती है, और ये ह्यूमन ब्रेन की साइड फोज है, ये साइड फोज है, बीच में काट लेते हैं तो ये ऐसी रहती है. तो इधर आपको ये पीनल ग्लैंड और ये हाइपोथैलेमस और ये सब आपको इधर ही मिलती है. एंड थर्ड वन, एंड दिस इज ब्लू एवेंजरन. मैं 2-4 दिन से ये ब्लू एवेंजरन जो सजेस्ट कर रही हूँ, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो. ब्लू एवेंजरन क्रिस्टल थर्ड आई के लिए होती है. वो क्यों? क्रिस्टल्स तो बहुत सारे हैं,
और सिलिकॉन ऑक्साइड जो इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, ये सिलिकेट्स है, सिलिकॉन ऑक्साइड है SiO2, इस क्रिस्टल का केमिकल कॉम्पोजिशन। और इस क्रिस्टल की पर्टिकुलरली ये जो सिलिकॉन ऑक्साइड है, मीन्स केमिकल का मतलब आप सब लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो ये हेक्सोगोनल, ट्राइगोनल और रोम्बॉइड्स, हेक्टोइड्स, ऐसी 4, 3, 2, 8 ऑक्सोगन्स ऐसी होती हैं। तो इस क्रिस्टल की ये जो क्रिस्टल सिस्टम है ये ट्राइगोनल है। ट्राइगोनल मीन्स इधर भी आपको ये थ्री शेप में कटती है, थ्री साइड्स में कटती है। ये रोम्बॉइड है तो स्क्वेयर, हलवा के टुकड़े जैसी कटती है, हलवा के टुकड़े जैसी कटती। टाइगर आई भी रोम्बॉइड है, वो हलवा के टुकड़े जैसी फोर शेप्स की कटती है। एमोरफस रॉक होती है तो बिना शेप का होती है। तो ये जो ब्लू एवेंजरन है ये ट्राइगोनल होती है, ट्राइगोनल से सिलिकॉन ऑक्साइड होती है। मीन्स इसका केमिकल जो फ्लो होती है वो ट्राइंगल शेप में फ्लो होती है। ओके, जैसे आपकी फैन है, फैन की पंखड़ी है वो टेढ़ी हो गया तो आपको हवा नहीं आती है, वो उसी शेप में है तो ही आपको हवा दे रही है। आपकी मिक्सी के अंदर थ्री वो हो गया, जार की ब्लेड हो गया, फिर वो ब्लेड टेढ़ा है तो आपको नहीं देती है, और एक ब्लेड है तो भी नहीं देती है, वो तीन ब्लेड है और वो शार्पन है, वो उसी शेप में है तो आपको वो दे रही है। फिर तीन पंखड़ी जैसे आप कुछ भी बना दो तो आपको हवा जैसी नहीं देती है, ये मिक्सी में ये नहीं पीसती है, वैसा ही शेप की और केमिकल फ्लो का एक एनर्जी रहती है, उसी से वो उसी में काम में करती है। और जैसे कॉर्निलियन है और रोज क्वार्ट्ज़ है वो भी सिलिकॉन ऑक्साइड है, मगर इसका केमिकल फ्लो का शेप अलग है तो वो थर्ड में काम में नहीं करती है। सो दिस इज ट्राइगोनल। ये देख ली ना आपने N2O और TiO2 और SiO2, ये इसी शेप में ब्लू एवेंजरन की एनर्जी फ्लो होती है। अभी ब्लू एवेंजरन क्रिस्टल को हम इधर रख के वो एनर्जी फ्लो करवाते हैं, जैसे हवा इसके ऊपर फ्लो होती है वो आड़ा मेड़ा नहीं जाती है, वो इसी शेप में ही उसमें से एनर्जी फ्लो होती है, जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल ऐसे। ओके, सो ये हमारा ये जो थर्ड आई है, थर्ड आई के लिए हमारा जो भी सिंबल है वो भी ट्राइगोनल है। इसी के अंदर हमारा आई के अंदर विजन आती है, आप कहीं भी देखते हो ये ट्राइंगल होके क्यों होती है, और हमारा थर्ड आई चक्र का भी यही सिंबल होती है। डीएनए क्लासेस आप फॉलो करोगे तो आपको इस सिंबल्स के बारे में मैंने बताया है। ये एक एक सिंबल हमारा बॉडी के अंदर, उसके ऊपर से जो भी हवा आती है वो हमारे सेल्स के ऊपर और छोटे छोटे जो पसीना आने की जो भी पोर्स हैं उस पोर्स के ऊपर भी वो एनर्जी कैसे काम करके वो कैसे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में अंदर एनर्जी लेती है। ओके, सो मैं उस क्लासेस को थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए, डीएनए की शायद 14 क्लासेस है। ओके, एक क्लास है क्रिस्टल का, उसके अंदर सारे ये केमिकल कॉम्पोजिशन, और इसको बोलते हैं हम क्रिस्टलोग्राफी। ओके, हर केमिकल की एक स्ट्रक्चर होती है, तो वो क्रिस्टलोग्राफी क्लास में मैंने बोला था। फिर ऐसा ये ब्लू एवेंजरन आपको ट्राइगोनल में काम करके, सिलिकॉन ऑक्साइड ट्राइगोनल में जाके आपकी थर्ड आई के ऊपर काम करती है। ओके, एंड नेक्स्ट, एंड ब्लू कलर आपको ये ही एनर्जी देती है तो आपकी आग्नेय चक्र को क्लियर करने के लिए और वहां की ब्लॉकेजेस को हमको एनर्जी देने के लिए। ओके, और वहां जो विजन क्लियर नहीं है वो पूरा सोर्सेस ऑफ एनर्जी आपको देती है। ओके, एंड नेक्स्ट पीपीटी प्लीज। ओके, ये फिजिकली ये तो डायग्राम है, एनिमेशन है। ये ब्लू कलर आप जो देख रहे हो ये सच में हमारे ब्रेन में, ये पीजी, जहां पीजी लिखा है ये हमारा पीनल ग्लैंड है, इतनी सी एक चने जितना साइज का। ओके, ये पीपीटी आपको ग्रुप में आ जाएगी। ये चने जितना साइज का पीजी जो लिखा है ये हमारा पीनल ग्लैंड है। नेक्स्ट पीपीटी, ये इधर आप येलो कलर में देख रहे हैं ना, मीन्स डिफरेंट एंगल्स में से आपको दिखा रही हूं, बिकॉज जब आप मेडिटेशन करते हो आप इधर कॉन्सेंट्रेट करना है, कई लोगों का भी दर्द आने लग गया, यू फील इट इन योर ब्रेन। ये जो येलो कलर है दिस इज योर पीनल ग्लैंड। ओके, दिस इज हाइपोथैलेमस,
ये आपको ये जो दिख रही है ये ट्रायंगल शेप में, ये हाइपोथैलेमस है, इधर पीनल ग्लैंड है जो लाइट येलो कलर में है। ओके नेक्स्ट पीपीटी। सो इधर आपको तीनों के बारे में क्लियरली लिखे हैं। ओके यू कैन सी दिस इज हाइपोथैलेमस है जो रेड कलर में है, थोड़ा सा ये ट्रायंगल जैसी दिखती है और भारत देश का मैप जैसा ही दिखती है आपको, ये इंडिया की मैप जैसी। ओके एंड दिस इज आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके पिट्यूटरी ग्लैंड है आप देख सकते हो, एंड ये पीछे की तरफ आपकी ये पीनल ग्लैंड है। ओके पीनल ग्लैंड मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करती है। आपने आंखों से जो भी चीजों को देख लिया, मगर कई बार 90% आपने 100 सामान को देखते हो तो 95 आर्टिकल्स आपकी ब्रेन में रजिस्टर नहीं होती है। आपने एक पेपर को, प्रिंटेड पेपर को आपने देख लिया, चार अक्षर पांच अक्षर ही आपकी ब्रेन में जाती है या फर्स्ट 5 लेटर्स जाती है। मुश्किल से मुश्किल फर्स्ट सेंटेंस में एटलीस्ट 8 लेटर्स आप ब्रेन में रजिस्टर कर सकते हो, बाकी आप नहीं कर सकते हो। मगर जब आप आंख बंद करके फिर उस बुक में क्या है आप समझना चाहते हो, वर्ड्स के रूप में नहीं, उसकी एनर्जी के रूप में आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और हायर मास्टर्स की सारे इंफॉर्मेशन लेके आप ऑटो राइटिंग लिख सकते हो और आकाशवाणी क्लेरो वॉइंस ही आप सुन सकते हो। ये तीनों काम करने के लिए ये हमारा हाइपोथैलेमस, पीनल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड चाहिए। सो ये तीन कहाँ है? हमारे पास है, भगवान के पास नहीं है, हमारे पास है। भगवान हमको कितना चाहिए, भगवान को भी हम उतना ही चाहिए। आपके विजन क्लियर नहीं है, आपको क्या करना समझ में नहीं आ गया, आप परेशान हो रही हो इसलिए भगवान के पीछे पड़ रही हो, तो मेरा ये प्रॉब्लम क्लियर कर दो। जब आपने भगवान की दिया हुआ इतना बड़ा पावर समझोगे और इसको अचीव करोगे तो आपको भगवान से कोई काम नहीं है, तब भगवान को आपसे काम है, आपके पीछे पड़ेगा। प्लीज ये नॉलेज और भी लोगों को दे दो और मेरे ये काम कर दो, मेरा इस चीज को, इस मुल्क गलत रास्ते पे जा रहा है, इसको नॉलेज दे दो, वो कर दो, ये कर दो बोल के रोज भगवान आपके हाथ पैर जोड़ेगा। और इस धरती पे आपको कोई काम नहीं है, बिकॉज सॉल्वेशन नहीं मिलता है। मीन्स आपको अभी एसी की हैप्पीनेस चाहिए, मर्सिडीज बेंच की हैप्पीनेस चाहिए, आइसक्रीम की हैप्पीनेस चाहिए, और इसको एक्सपीरियंस करना चाह रही हो, बड़े बंगला में रहना, फॉरेन कंट्री टूर जाना, ट्रिप जाना, वर्ल्ड टूर जाना, उस एक्सपीरियंस को अचीव करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, कमा रहे हो और उसी के लिए आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो। जब आपने ये एक्टिव हो गया है तो आप अपनी कहीं भी झोपड़ी में भी बैठ के फुल 50 डिग्री गर्मी में भी आप ठंडक महसूस कर सकते हो, और वहां बैठे बैठे आप कहीं भी वर्ल्ड टूर करके आ सकते हो। तो इस दुनिया की हर चीज को आप वहां बैठे बैठे एक्सपीरियंस, वो आइसक्रीम की कूलनेस और इसका टेस्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपने ये सोचा उसका फ्लेवर सेक्रेट होके आपकी ब्रेन में से, आप गले में से टंग पैलेट फील करके वो नीचे उतरती है, तो इसके बाद आपको ये चीज अचीव करने के बाद आप भगवान से क्या काम है, क्यों मांगोगे, क्यों भीख मांगेंगे, मांगने की जरूरत ही नहीं है। पत्री सर फिर बार बार क्या बोलते थे, वी ऑल आर गॉड्स, कोई मंदिर जाते भीख मांग के आए क्या, शर्म नहीं है क्या तुमको, भीख मांग के आए, खूब भीख मांग लिया। पत्री सर बहुत चिढ़ता था इस बात की, वो भगवान से ऑपोजिट नहीं है, ये भीख मांगने से ऑपोजिट है, बिकॉज ही नोज पावर इधर है, तो किसी और को क्यों भीख मांगने गया भिखारन। ये बोल के बहुत डांटता था, कोई बिंदी लगा के, वो लगा के, ये लगा के, कि कई पुराना स्टूडेंट्स है तो उनको पता है, तो इस बात की पत्री सर कितना डांटते हैं। तो वो भगवान की ऑपोजिट नहीं है, भीख मांगने की ऑपोजिट है। ओके आई होप लोगों को मजा आ रही है, कुछ समझ में आ रही है। ओके सो नेक्स्ट, सो ये एक्चुअली जो भी हम कुछ भी चीज देख रहे हैं
उसके अंदर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम क्यों ले नहीं पा रहे हैं? एक तो हमने उस वस्तु के ऊपर हमने ना दिमाग लगाया, मीन्स कॉन्सेंट्रेट नहीं लगाया। दूसरा, हमको नहीं चाहिए, इसकी वजह हमने उसके ऊपर हमारा दृष्टि और कॉन्सेंट्रेशन नहीं करा। तीसरा, वो हमारे लिए क्या फायदा कर सकती है ये हमको नॉलेज नहीं है, ये हमको नॉलेज नहीं है। ऐसा कई फैक्टर्स एंड रीजंस है। ये चीज मिल गई तो हम लाइफ में आगे जा सकता है। वो बात, वो आंसर हमारे सामने होने के बाद भी हम उस चीज को ग्रास्प कर नहीं पाया है, सेंस कर नहीं पाया है। वो सेंसेशंस को हम बढ़ाना ही हमारा पीनल ग्लैंड है। और ये सेंसेशन आंख खोल के ही बढ़ाने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके ही ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने इस आंखों को बंद कर ली, हमारा पीनल ग्लैंड काम करना शुरू कर दिया। जो भी लाइट और इंफॉर्मेशन यूनिवर्स में से है, वो आपने जिस टॉपिक के ऊपर अचीव करने के लिए कंप्लीट आपकी कॉन्सेंट्रेशन रखते हो, फिर उस इंफॉर्मेशन को वो लेने की कोशिश करती है। एंड इस पे दूसरा बात ये है, आपको कुछ चाहिए, ओके, वो अर्थली मैटर हो गया, उसको अचीव करना है तो स्पिरिचुअल पावर चाहिए। जैसे आप ये घर बनाना चाहते हो, कोई भी पंडित जी बताते हैं आपकी कुंडली में घर बनाने की योग है, मगर बना नहीं पा रहे हो, इसका मतलब एनर्जी कम है। तो आप कोई होम करवाते हो, पूजा करवाते हो, शादी नहीं हो रहा है, जॉब नहीं आ रहा, जो फिजिकली कहीं भी हम रुक जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, फिजिकली कोशिश नहीं करते हैं, स्पिरिचुअली कोशिश करते हैं। तो स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है तो फिजिकली वो काम हो रही है। तो मैं ये बोलती हूँ, तो स्ट्रगल करके नहीं होने के बाद क्यों करते हो? तो पहले ही ले लो ना, तो पहले ही ले लो। और ये पहले ही हम स्पिरिचुअलिटी में आ गया, इस ग्लैंड्स को हम एक्टिवेट कर लिया, तो बाकी सारी चीजें अपने आप ही होती हैं, उसके लिए स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं है, ओके? सो, और एंग्जाइटी होने से, परेशान होने से, रोने से या गुस्सा करने से, ये कोई भी सेंसेस और ब्लॉक हो जाती हैं, कोई भी काम नहीं करती हैं। उंगली दरवाजे के अंदर आके बाय मिस्टेक बंद हो जाती है, तो जनरली सब लोग दुखते हैं, मगर उस वक्त आप हंसने की कोशिश करो, दुख अपने आप भाग जाती है। वंजा जी इज लाफिंग। सच है, आप जैसी मिर्ची लग गया तो आप वहां दर्द के ऊपर और वहां मिर्ची के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट वहां करोगे तो आपको ज्यादा मिर्ची लगती है। तो आप उसको कूलिंग पॉइंट पे दिमाग वहां लगाइए, वो कम हो जाते हैं। जैसे बच्चों को कोई गिर गया तो हम इसके ध्यान भटकने के लिए इधर उधर दिखा लेते हैं ना, तो सेम अबाउट अस, ओके? सो वेयर एवर यू कॉन्सेंट्रेट यू विल बी अचीविंग दैट। कई लोगों को मालूम नहीं चल के बाधा की साधना करते हैं, हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उस बाधा की इतना साधना करते हैं, और कुछ होने के बाद फिर मम्मी को, चाची को, मौसी को, फ्रेंड्स को, बहन को फोन करके मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो 100 बार बोलते हैं। इसका मतलब उनके साथ एक बार एक आस्था हो गया, उसको 100 times वो लोग एनर्जी दे रहे हैं, और 100 लोगों की पीनल ग्लैंड को समझा रहे कि उनके साथ ये और बड़ा होना है। सो यू आर क्रिएटिंग योर नेगेटिविटी। अभी हो गया, खत्म करो, बस हो गया, वो दोबारा नहीं होती है। आपने 100 लोगों की बोला तो एक बार नीचे गिर गए तो 100 बार नीचे गिरने की एनर्जी आपने डेवलप करके वहां छोड़ा है, और वो यूनिवर्स में 100 बार रिकॉर्ड हुआ है। तो आपने अपनी लाइफ टाइम में ये 100 times पूरी कर नहीं पाया है, तो आपको नेक्स्ट जन्म के लिए कैरी करके बाकी 50 वहां कंप्लीट करोगे, और ये DNA तक रम गए हैं। तो नीचे गिरना, नीचे गिरना, नीचे गिरना, फिर ये एबिलिटी आप नेक्स्ट आपकी जीन्स किस में आई है उनको दोगे, फिर वो आपने 25 तो वो क्लियर करेगा, और एक 25 तो आपकी सोल क्लियर करती है। हमारा घर में सबको
भिंडी पसंद नहीं है मैडम, वो खाते ही तबियत खराब होती है, तो आपने एफ्रिमेट करके पूरा एक बार भिंडी खा लिया अपनी लाइफ में, वो तबियत खराब हो गई उस दिन बाय मिस्टेक, तो भिंडी खाए तो तबियत खराब होती है, आपने इस चीज को फिक्स कर लिया, डीएनए तक रम गया है, कहीं भी दुनिया में कोई भी भिंडी बनाता है तो सबको यही एफ्रिमेट कर रही हो, भिंडी खाने से तबियत खराब होती है, होती है, होती है, होती है, तो वो नेक्स्ट डीएनए कहाँ किस किस के अंदर जाएगा, फिर उसको भिंडी खाने से 7 पीढ़ी तक वो तबियत खराब होती है, होती है, पाप कर्म हो, पुण्य कर्म हो, और जो भी इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, श्राप हो, 7 पीढ़ी तक वो ट्रांसफर होती होती है। इसकी बीच में कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके अपना डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर केमिकल को वो लोग चेंज कर पाया तो वो भिंडी सूट होने लग जाएगी, वरना तो भिंडी आपको दुश्मनी दिशे कुछ दोष हो, सर्प दोष हो, काल सर्प दोष हो, किसी ग्रह का दोष हो, वो ही तो ट्रांसफर हो रही है। हमारे घर में सबको कुछ दोष है, एक मेरी बेटी को छोड़ के, उसको उसकी नानी की तरफ से डीएनए आया बेटी को तो उसको नहीं है, दादा की तरफ से किसको भी डीएनए आएगा वो सबको कुछ दोष है। ये सब बहुत सारे टॉपिक्स है, आप जो भी सोच रही हो, जो भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रही हो, जिसपे अपने दिमाग को कायम रख रही हो और मैं ये करूंगी करूंगी बोल रही हो, वो अच्छा है बुरा है आपके लिए वो मालूम नहीं है, मगर मैं करना है, मैं इसको आज बता के ही मानूंगी, इसको मैं देख लूंगी, ये जो चैलेंजेस है ना ये कहां तक जाती है आपको पता नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट वी कम फॉर फूड फॉर ब्रेन। एक तो बहुत बढ़िया फूड है जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज डार्क चॉकलेट, जो ओरिजिनल कोका से बना हुआ जो डार्क चॉकलेट होती है, आपको कभी भी गुस्सा आती है, नाराज हो, कोई भी आपको चॉकलेट लेके आके देता है, अपने आप ही आप मुस्कुराने लग जाते हो, नोट दिस पॉइंट, और आपकी गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाती है, और आपके दिमाग में अभी तक उसके लिए जो गलत सोच रखे हैं और गुस्सा निकालने के सोच रहे हो, वो धीरे धीरे ठंडा होके, चला यार कोई बात नहीं चॉकलेट लेके आ गए ना, वो चॉकलेट मुंह में रखते ही आपकी माइंड कूल करना शुरू हो जाती है और आपकी अब तक जो भी सोच विचार है उसके अंदर चेंज होना शुरू होती है। ट्राई दिस, किसी को गुस्सा आए तो फिर उसको चॉकलेट लेके आके दो, वो चॉकलेट खाने के पहले चॉकलेट को देख के ही अपने आप मुस्कुराने लग जाता है। ओके, ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, हार्ट चक्रा है, डार्क चॉकलेट है, आपकी थर्ड आई है, ओके, आपकी पीनल ग्लैंड है जहां आपने इसको स्ट्रेन कर रखे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट ये टर्मरिक है, जो भी हमारा ट्रेडिशनल फूड में हम जरूर टर्मरिक डालते हैं, और कोकोनट है, वॉलनट्स है, ओके, ये सब हमारा और एप्पल सीडर विनेगर, एक तो एप्पल सीडर विनेगर इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, और दूसरा आयोडीन, और ये आयोडीन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, जो मिनिमम हम लेते हैं तो उससे भी हमारा पीनल ग्लैंड एक्टिव रहती है। एंड दूसरा व्हाट यू कॉल दिस, बोरॉन, बोरॉन रिलेटेड फूड हम खाते हैं तो हमारा अंदर जो फ्लोराइड केमिकल जो इकट्ठा हो गए हैं कहीं भी हो उसको निकालती रहती है, तो ये विजन क्लियर होती रहती है हमारी। ओके, बोरॉन रिलेटेड फूड, ओके, एंड स्पिरुलिना, वीट ग्रास, ग्रीन रिलेटेड, अच्छा क्लोरोफिल जिस फूड में है वो बढ़िया क्लोरोफिल की रिलेटेड फूड्स हैं, स्पिरुलिना है, ग्रीन और व्हाट इज दिस, वीट ग्रास है, ये सब आपको बहुत अपने पीनल ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए फूड्स हैं। नेक्स्ट पीपीटी प्लीज, जस्ट आपको नॉलेज देने के लिए मैंने इतने सारे पीपीटी बनवाए हैं, ये इधर ब्लू कलर की जो केमिकल है थोड़ी सी वो ट्राइंगल शेप में है, लिक्विड फ्लो है, दिस इज हमारा हाइपोथैलेमस, ओके, दिस इज हाइपोथैलेमस, जब तक आपको मालूम नहीं है ये चीज कहाँ है आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हो और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अगेन ये छोटा सा ग्रैन्यूल जो दिख रही है चने जितना, ये पीनल ग्लैंड है, ओके, ये पीनल ग्लैंड है, और दिस वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिंक वाला पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंड अगेन दिस येलो वन इज हाइपोथैलेमस, ये हमारा कंप्लीट ब्रेन है। अनदर पीपीटी, ओके, इसको बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, और कोई भी बात फर्स्ट कोई आपको कोई भी सवाल करते हैं, कोई भी आपको सवाल करते हैं तो फर्स्ट आपकी राइट ब्रेन एक्टिव होती है, वहां से उसको जो भी जवाब आपको देना है फिर वो लेफ्ट ब्रेन के अंदर ट्रांसफर होती है, इसके बाद उसको आप जवाब देते हो, झूठ बोलना है तो स्ट्रेस होके बाहर निकलती है, सच बोलना है वहां कोई दिमाग लगाने के काम नहीं है, वो आप फ्लो में
बोल लेते हो, जिसको छुपाना है नहीं बोलना है, फिर जिसका ब्रेन एक्टिव नहीं है तो वो छुपा नहीं पाते हैं, फिर वो बोल लेते हैं, और इसी को हम गाइड मास्टर, गाइड एंजल एंड गार्डनिंग एंजल जो बोलते हैं, वो हमारा ब्रेन ही है। मुसलमान में जो बोलते हैं दो फरिश्ते हमारे कंधों में बैठते हैं, ये वही हमारा ब्रेन है। जो क्रिश्चियंस बोलते हैं तो टू एंजल्स है, वो भी हमारे इसी ब्रेन है, और राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर तो ये भी यही है, और बीटा वेव्स और गामा वेव्स जो हम यूनिवर्स से रिसीव करते हैं तो वो भी यही है। और आप जो होश में हो तब आप बाहर जो रिलीज कर रहे हो और सोच रहे हो, जब आप सो रहे हो तो हायर से जो इंफॉर्मेशन एंड इंट्यूशंस ले रहे हो, ये वही आपकी ब्रेन है। कोई और इंसान जैसा पिंक गाउन पहन के जो एंजल जैसा, या तो कोई शूल पकड़ के शिवजी जैसा, कोई चित्रगुप्त और विचित्रगुप्त, हिंदुओं में ये बोलते हैं चित्रगुप्त और विचित्रगुप्त आपकी दोनों कंधों में बैठा है, वो भी कोई नहीं है। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन दिस, और इससे आप डर रहे हो, इससे आप सोच रहे हो, इससे आपको एंग्जाइटी आ रही है, इससे आप केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हो, वो प्रोड्यूस जो कर रहे हो वो आपको हानिकारक की केमिकल आप प्रोड्यूस कर रहे हो, डर के मारे, झूठ बोलने के मारे, गलत काम करने के मारे, वो आपकी बॉडी में कई ग्लैंड्सों की सेक्रीशन करते वक्त जो भी बाइल जूसेस प्रोड्यूस होता है उसको डैमेज कर रही है। जो आप बहुत बढ़िया जैसे दान पुण्य कर लिया, सच बोल लिया, किसी को मदद कर लिया, किसी के पेट भर लिया, फिर किसी को स्कूल फीस भर लिया, और बहुत सारे लोगों को आपने खाना खिलाया, उस टाइम पे आपने जो भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी वजह आपने जो भी आपके एंसेस्टर्स की जो पाप कर्म की वजह कई चीजें जो ब्लॉक हो गई है, ये केमिकल आके उस ब्लॉकेज को क्लियर कर रही है। तो बर्ड्स को आप खाना खिला रहे हो, एनिमल्स को खाना खिला रहे हो, गाय को खाना खिला रहे हो, तो गाय थोड़ी हाथ उठा के आशीर्वाद दे रही है, गाय को पता है आपके सोल कहाँ है, आपके एड्रेस कहाँ है। उसको खिलाते वक्त आप जो गर्व महसूस करते हो, वो जो फील करते हो, वो ब्रेन में से जो केमिकल आ रही है। किसी भी ग्रह में कोई भी इंटेलिजेंसी या कोई सेंसर नहीं है, नीचे आप कहाँ क्या गलती कर रहे हो वो आपको रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड तो आपकी ब्रेन ही कर रही है। अंधेरे में अकेले में आप कोई गलत काम कर रहे हो फिर भी आपकी ग्रह दोष लग रही है, तो वो कौन है? आपकी बॉडी के अंदर सेल्स है जो उसको एब्जर्व करने पा रहे। ओके, सो एवरीथिंग यू, सो भगवान के ऊपर नाम मत लेना, किसी का भी नाम मत लेना, अपने आप में ही एवरीथिंग है जो हमारा प्रोड्यूस करके हम सेक्रीशंस को सही कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी ग्रह का दोष है तो वो भी हम मेडिटेशन से सही कर सकते हैं। इसलिए पत्री सर कोई ग्रह नहीं है, कोई नक्षत्र नहीं है, मींस उसने सिंपली एक ही बात में इसको खत्म कर लिया था, वरना तो लोग इतनी सारे डाउट्स पूछते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, इतनी सारों को वो जवाब देना नहीं है, तो तुम उसको फॉलो मत करो, तुम खाली मेडिटेशन करो, तुम इसको भी फॉलो मत करो, कुछ भी फॉलो मत करो, खाली मेडिटेशन करो। एवरीथिंग व्हाट इज नॉट सूटिंग यू ओनली बिकॉज योर ऑफ योर थॉट। अब इसको सूट करने के लिए कि इस थॉट फॉर्म को कैसा रिकवर करना है और इसको कैसे चेंज करनी है और क्या केमिकल कम हो गई है और कैसा प्रोड्यूस करना है, और कई केमिकल्स हमको क्या है, बिरयानी के अंदर जो भी सामान डालते हैं जैसे लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, इन चीजों से हमको बहुत सारे केमिकल्स मींस ओरिजिनल बढ़िया केमिकल्स मिलती हैं। इसके बाद हमको क्रिस्टल्स के अंदर बहुत मिनरल्स एंड केमिकल्स मिलती हैं, और कई मिनरल्स हमारा फिजिकल बॉडी के अंदर ग्लैंड्स के अंदर चेंज लेके आने के लिए, फूड, तो फूड हमारा माइंड के ऊपर कैसा काम कर रही है उसके अंदर जो मिनरल की वजह ही हमको काम कर रही है। ओके, सो ऐसा ये तीन चार, सो बॉडी यूनिवर्स में जितना है उतना हमारा बॉडी में है, तो यूनिवर्स में क्या है, इन टाइप्स ऑफ केमिकल्स से ही हमारी यूनिवर्स बनी है, वो सारे हमारा बॉडी बनी है। ओके, सो इन चीजों को हम सही सेक्रेशन कर पाते हैं तो हमारे को दिमाग में बिल्कुल संतुलन सही होती है। हमारे सेक्रेशन सही नहीं है तो हम किस किस बातों में सोच नहीं पाते हैं, फिर वहां सोचने जित तक क्षमता नहीं आ पाती है, कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत हम अपने आप को डाउन कर लेते हैं। ओके, सो अभी आपको लास्ट पीपीटी दिखा रही हूं, अंदर पीपीटी प्लीज। अभी ये अभी की स्थिति है हमारी, दिस इज नाउ। फिर अभी हम 7 days में 7 classes में आज अभी से 7 जन्म पीछे जाके
वहां हमने जो भी ब्लॉक कर रखे हैं, जो भी बातें जो अनवांटेड हमने अंदर रख रखे हैं सबकॉन्शियस में, और सोल को किसी बातों से हमने ब्लॉक कर लिया है, तो ईच एंड एवरी लेयर को और ईच एंड एवरी सिचुएशंस को हम वहां से हमारे ब्लॉकेजेस को क्लियर करता हुआ अभी हम मेडिटेशन करेंगे. ओके, दिस इज टुडे. आज से लेके 7 लाइफ्स पीछे जाके वहां हमने किसी पेट्स को पाला है, और या तो किसी इंसान है वो डेथ की वजह हम प्रॉब्लम हो गए हैं, और हम जब भी पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद तुरंत मदर की उम में भी और बाहर आने के बाद भी हम बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करते हैं, और नेचुरल कैलामिटीज, कभी कुछ फैन नीचे गिर गया, कुछ प्रलय आ गया, या कुछ अर्थक्वेक आ गया उस जन्म में हमको, और इसीलिए कई लोगों को लिफ्ट से डर है, और जीनो देखते डर है, पानी से डर है, फायर से डर है, फिर वहां कुछ भी एक्सीडेंट्स हो गया उससे जो सोल डर के अपने अंदर उस बैड एक्सपीरियंस, मींस ये फायर वाटर ये सारे एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट से हमको नफरत है, तो हमारा बॉडी अभी ये एलिमेंट की संतुलन बिगाड़ लेती है. क्लोज दिस पीपीटी. सो ये संतुलन बिगड़ के तो अभी आपकी बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट सही नहीं है, एयर एलिमेंट सही नहीं है, कोई फ्लाइट में क्रैश हो गया तो एयर से आपको डर लग गया, तो एयर एलिमेंट आपकी सही नहीं है, तो आपको आस्थमा है और वीजिंग है उससे परेशान हो. किसी को वाटर एलिमेंट सही नहीं है, पानी को देख के डर गया, कुछ भाड़ आ गया जब वो वहां है तो वाटर को देख के उस सोल के अंदर डर है, तो आपकी बॉडी के अंदर वाटर एलिमेंट सही नहीं है, और चंद्रमा की दोष है, और चंद्रमा से आप एनर्जी ले नहीं पा रहे हो, और स्वादिष्ठान चक्र के अंदर आपकी मून एक्टिव नहीं है, तो इसकी वजह बॉडी के अंदर पस, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है और पस है, और व्हाट यू कॉल दिस स्पर्म की रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और लेडीज की व्हाइट डिस्चार्ज की रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ऐसा, और आंखों में से पानी आना, और कई चीजों बॉडी के अंदर व्हाइट की रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स होती है वो सब चीजों के प्रॉब्लम आती है. ओके, और किसी को भी गैंग्रेन ऐसा कुछ चीज होके वहां पस पड़ जाती है और व्हाइट कलर से वो निकलती रहती है. ओके, एंड बार बार इन्फेक्शन आके व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ती रहती है, और कई चीजें हैं. ओके, तो उन सब चीजों को सही करने के लिए, और एक एक ड्रॉप यूरिनेशन आती है और यूरेथ्रा सही काम नहीं करती है. ओके, और किसी को फायर एलिमेंट से प्रॉब्लम है, ओके, तो बार बार गैस आती है, पेट ब्लोटिंग होती है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम होती है, तो हमने क्या क्या किया हमको खुद को पता नहीं. चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी चीज से हमने डर गए, ब्लॉक कर लिया, उसको तो आज क्लियर करेंगे करेंगे. ओके, सो ये क्लियर करने की कोई भी आके क्लियर नहीं कर रहे, गुरु की सपोर्ट है, हमारे पास टूल है, और पत्री सर ने सिखाया है. ओके, वी ऑल हैव द विजन, सो वी आर गोइंग टू अचीव दिस. चलो, क्लोज योर आईज एंड प्रे टू महावतार बाबाजी. एक गुरु जरूर चाहिए होती है, सो पत्री सर और महावतार बाबाजी आज हमारे साथ हैं, इतनी सारे साधकों के अंदर चेंज लेके आने के लिए ये बहुत बड़ा क्लास है, टू चेंज अवर सेल्फ. सो क्लोज योर आईज, बहुत रिलैक्सेशन मूड में बैठिए, जो भी आपने सोच रखे हैं उन सबको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, और महावतार बाबा जी और सुभाष पत्री जी हमारे साथ हैं, और सारे एस्ट्रल मास्टर्स जो भी लोक कल्याण के लिए मेहनत कर रहे हैं. सो जितने भी एस्ट्रल मास्टर्स हैं, भावतार बाबा जी और ब्रह्मर्षि पत्री जी की एनर्जीज के थ्रू हायर डायमेंशन से जो सोल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अनुभव करने के लिए, अचीव करने के लिए, एनलाइटमेंट के लिए इस फिजिकल बॉडी के अंदर जन्म लिया है, उस सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए जो विजन हमको चाहिए, उस विजन को कंप्लीट
एनर्जाइज करने के लिए। हमारा पीनल ग्लैंड कंप्लीट एनर्जीज ले रही है। हम हायर डायमेंशन में से, स्टार वर्ल्ड में से इस धरती को कुछ सीखने के लिए विजिट किया है। जो विजन हमको चाहिए सीखने के लिए वो कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। हमारा स्टार परिवार जो भी हायर डायमेंशन में है, उन सब लोगों की एनर्जीज के थ्रू पास्ट लाइफ्स में, अभी से लेके पास्ट 7 लाइफ्स से लेके फर्स्ट में हमने जहां पैदा हुआ है, किसी भी मनुष्य, जंतु, पक्षी, पशु पक्षात के रूप में हो, किसी भी लोक में हो, जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह हमारा सोल का विजन ब्लॉक हो गई है, हमारा मनोनेत्र बंद हो गए हैं, उस जन्म की मनोनेत्र बंद होने के हर कारण के ऊपर गुरु की आशीर्वाद और ज्ञान और यूनिवर्स से हमारा पीनल ग्लैंड एब्जॉर्ब कर रहा हुआ इंफॉर्मेशन के थ्रू हर ब्लॉक्ड रीजन को हम क्लियर कर रहे हैं। ऑल द 5 एलिमेंट्स, कुछ भी ब्लॉक हो गए हैं, ऑल द एलिमेंट्स को हम क्लियर कर रहे हैं। आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व हमने ब्लॉक किया है, और कोई भी बैड एक्सपीरियंस है उन सब विजन्स को हम क्लियर कर रहे हैं, और पॉजिटिव एनर्जीज एंड परफेक्ट केमिकल बैलेंस हमारा बॉडी के अंदर फ्लो हो रही है। ओनली बिकॉज ऑफ अवर थॉट प्रोसेस, आपने चाहा आपको मिल गई है, आपने डर गए थे आपको बंद हो गए थे, अभी आपको ज्ञान आ गई है तो आप हर ब्लॉक्ड तत्वों को इनवाइट कर रहे हो आपकी लाइफ में, आपकी फिजिकल बॉडी में। ईच एंड एवरी सेल इज एक्सेप्टिंग फाइव एलिमेंट्स एनर्जीज एंड बैलेंसिंग ऑल द केमिकल्स इन द बॉडी एंड गिविंग यू द परफेक्ट नूरिशमेंट। बहुत आराम से इस एनर्जी को फील करना, और हर तत्व की डाइटीज से नमस्कार करते हुए बहुत आनंदमय से हर चीज को एक्सेप्टेंस ही देना। धरने की कोई बात नहीं है, सब अपना ही है। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल सोल ऑन द अर्थ। एनलाइटमेंट के पाथ पे आप पहला कदम रखे हो, एंजल्स के साथ जुड़े हो, पंच तत्वों के साथ जुड़े हो। उस लाइफ में जितने भी आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया है, जो भी ज्ञान पाया है, जो भी पुण्य कर्म पाया है,
और भगवान के आशीर्वाद लिया है वो सब अभी इस वक्त इस जन्म में आपको रिस्टोर हो रही है। आप डेटा रिकवर कर रहे हो, आपके अंदर एबिलिटीज एक्टिविटीज बढ़ रही है। एक पूरी लाइफ में जितने भी आपने सीखा है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको ट्रांसफर हो रही है यूनिवर्स से। आपके पीनल ग्लैंड में आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, और पास्ट लाइफ में जिस रिलेशनशिप से आप परेशान हो गए हैं, लाइफ के अंदर किस फेज से आपने बहुत स्ट्रगल किया है, और वो स्ट्रगल आपको क्या नॉलेज लेने के लिए आई है, और उस स्ट्रगल ने आपको क्या सिखाई है, उन सब नॉलेज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। और जो विजन की कमी की वजह आपने फेलियर को एक्सपीरियंस किया है और दुख पाया है, वो अभी भी आपको सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होके यू आर नॉट एबल टू अचीव स्टिल इन योर प्रेजेंट लाइफ। पूरा पाथ को आप क्लियर कर लीजिए, पूरी विजन को आप क्लियर कर लीजिए। अभी जो स्ट्रगल आई है ये अभी की नहीं है, पास्ट की एक्सपीरियंस की वजह आप प्रेजेंट को कंप्लीटली देख नहीं पा रहे हो। आपकी पीनल ग्लैंड आपको विजन दे सकती है, फुल पिक्चर जैसा आप पूरा देख सकते हो, क्या है आपकी परेशानी, क्यों आप परेशान हो, वो एक्सपीरियंस को अभी भी आप कैरी करके क्यों इसकी गलत मजा चख रहे हो। क्लियर द ब्लॉकेज, टेक एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स, आपकी पीनल ग्लैंड के थ्रू कंप्लीट विजन देख लीजिए। जो दुख की वजह एक एक कोश जो ब्लॉक हो गई है पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह, आनंदमय कोश को विकास हो रही है, आनंदमय कोश विकसित हो रही है। आपने क्या मिस्टेक करके आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को रुइन कर लिया, आपको नॉलेज आ रही है धीरे धीरे। So you are happy to get this knowledge. So आपकी आनंदमय कोश विकसित हो रही है, आप blessed हो, you are blessed, feel it and make your कोश very very happy and opened. जब ये कोश strong होती है, कोई भी दुख आपको दुखी नहीं कर सकती है, आप दुख की वजह दुखी नहीं हो, सोच की वजह दुखी हो। एक्सपैंड योर आनंदमय कोश, मेक इट स्ट्रॉन्ग। महावतार बाबा जी इज हेल्पिंग अस, सारे गुरु हमारे पास ही हैं, गिविंग अस अ लॉट ऑफ एनर्जी। और ब्रह्मदेव जी स्वयं आज हमारा नसीब चेंज करने के लिए हमारा प्रैक्टिस में हमको कंप्लीट उन्नति देने के लिए उनकी आशीर्वाद भेज रहे हैं। हम काली सत्य लोक से कनेक्ट होके सच्चाई जान के आनंदमय जिंदगी, आपकी मनोमय कोश विकसित हो रही है, हम कंप्लीट आपके मेंटल हेल्थ is getting tuned, worries
नेगेटिव थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स, नथिंग इज गोइंग टू, आपकी मनोमय कोश, आपकी मेंटल बॉडी कंप्लीटली हेल्दी हो रही है, आपकी विज्ञानमय कोश विकसित हो रही है, आपने खूब नॉलेज गेन किया है, जिस प्रॉब्लम की वजह आपने ब्लॉक हो गई हो, क्या करने से ये प्रॉब्लम से आप बाहर आओगे, जब आपकी कंफ्यूजन को सॉल्वेशन में, योर नॉलेज इज योर स्ट्रेंथ, योर नॉलेज इज योर गुरु, आपकी विज्ञानमय कोश विकसित हो रही है, कोई भी आपको झूठ बोल नहीं सकते हैं, कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकते हैं, कोई भी आपको चीटिंग नहीं कर सकते हैं, इस पे आपको नॉलेज, यू कैन सेंस देम विथ योर प्रीनल ग्लैंड, इट इज ट्रू और नॉट, आपकी विज्ञानमय कोश विकसित हो रही, आपकी विजडम बढ़ रही, ऑल योर सेंसेस आर गेटिंग एक्टिव, कोई भी चीज और कोई भी राज इस पूरी कायनात की आपसे छुप नहीं सकती हैं, नथिंग कैन हाइड, द ट्रूथ कैनॉट बी हाइड इन फ्रंट ऑफ यू, धीरे धीरे आपकी प्राणमय कोश एक्टिव हो रही है, विकसित हो रही है, इस यूनिवर्स की जो भी लाइफ फोर्स एनर्जी है ईच एंड एवरी सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है, सारे जो निर्जीव सेल्स हैं, अनवांटेड सेल्स हैं, क्लियर हो रही है, हर सेल के अंदर जीव शक्ति प्रवाह होना शुरू हो गई है, ओनली बिकॉज ऑफ योर एक्सेप्टेंसी, आपने सोचा ये हो रही है, प्राणमय कोश को आप विकसित हो रही है, इस यूनिवर्स की लाइफ फोर्स एनर्जी कंप्लीट प्राणा एनर्जी आपके अंदर, आपके थॉट के अंदर, आपके विचारों के अंदर भी इस एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, जो भी आप सोचते हो फिजिकल वर्क के लिए, वो वर्क कंप्लीट होने के लिए आपको जो भी लाइफ फोर्स एनर्जी चाहिए वो एबंडेंट आप लेके आपके अंदर फिल कर रहे हो, फील योरसेल्फ विद कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीट आपके राउंड 15 मीटर्स तक आपकी ऑरा प्राणा एनर्जी के साथ फिल हो गए हैं, आप यूनिवर्स से ले रहे हो, पीनल ग्लैंड से सोच रहे हो, और आपकी सबकॉन्शियस माइंड को और फिजिकल बॉडी को और ईच एंड एवरी सेल को और कोशा को आप दे रहे हो 15 मीटर्स प्राणा एनर्जी इज फिल्ड, यू आर सो ब्राइट लाइक एन एंजल, आपकी अन्नमय कोश विकसित हो रही है, इस खुशी से जो भी खाना आप खाते हो, जो भी फूड आप इनटेक लेते हो, एवरीथिंग इज गिविंग यू मिनरल्स एंड विटामिन्स, कोई भी इस दुनिया में ऐसा फूड नहीं है जो आपको सूट नहीं होती है, आपकी अन्नमय कोश कंप्लीट विकसित हो रही है, किसी भी पदार्थ के ऊपर या कोई भी प्लांट के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, वेजिटेबल के ऊपर आपने गलत सोच रखे हैं, या आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो कंप्लीट नेगेटिव थॉट्स को आप क्लियर कर रहे हो, एंड यू आर गिविंग एक्सेप्टेंसी टू ईच एंड एवरी फूड एंड मिनरल्स टू एब्जॉर्ब इन योर बॉडी एंड टेक स्ट्रेंथ एंड गिव यू मिनरल्स एंड विटामिन्स, आपकी ब्लड परसेंटेज, शुगर लेवल्स, बीपी, ईस्ट्रोजन, पोस्ट्रोजन, बाइल जूसेस, केमिकल्स, आयरन, सल्फर, कैल्शियम, सेरोटोनिन, मेलेटोनिन, डोमपिरिडोन,
एवरीथिंग इज गेटिंग बैलेंस्ड, आपके डीएनए के अंदर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, आपकी कमांड के थ्रू, आपके पीनल ग्लैंड की कमांड के थ्रू 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स परफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है, जो भी हमारा एंसेस्टर्स के थ्रू हमारा बॉडी के अंदर फ्लो होके जो भी जेनेटिकल डिसऑर्डर के रीजंस हैं, ऑल द 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर गेटिंग परफेक्ट बैलेंस्ड. 89, थायमाइन, गुआनाइन एंड सिटोसाइन, ऑल द 4 मेन केमिकल्स ऑफ द डीएनए आर परफेक्टली प्रोड्यूस्ड. ऑल द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड फिजिकल बॉडी स्ट्रगल्स रीजंस हैं ये 4 केमिकल. ये कंप्लीट हम संतुलन कर रहे हैं. यूनिवर्स रेडी है आपको एनर्जी देने के लिए. पिट्यूटरी ग्लैंड में कमांड दे दीजिए इन सबको सही करने के लिए. गुरु हमारे साथ हैं. मैं सजेशन दे रही हूँ, यू डू योर वर्क. इस यूनिवर्स में आपके सोल के लिए आपके एंसेस्टर्स के थ्रू बहुत सारे गिफ्ट्स रेडी रखी हैं. ओनली बिकॉज ऑफ योर थॉट्स एंड ब्लॉकेजेस आप वो गिफ्ट्स को अपनी लाइफ में ले नहीं पा रहे हो. इनवाइट ऑल द गिफ्ट्स. आई एम इनवाइटिंग ऑल द लक एंड गिफ्ट विच आर ऑन माय नेम इनटू माय ऑरा एंड टर्निंग इट फिजिकली एंड मेकिंग माय लाइफ हैप्पी एंड एक्सपीरियंसिंग ईच एंड एवरी थॉट ऑफ हैप्पीनेस. आई एम लाइट. All the crystal masters and energies from mineral kingdom receiving always energies and informations from the higher beings. Each and every relation, say aap positive happiness le rahe ho. Jitne bhi blood relation hai aur family relation mein hai और कोलीग्स हैं, आपकी हेल्पर्स, सर्वेंट्स, टीचर्स, ईच एंड एवरी रिलेशन से आप पॉजिटिव एनर्जीज एंड थॉट फॉर्म्स एंड ब्लेसिंग्स ले रहे हो. आपकी पास्ट लाइफ में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिस्थिति से आप परेशान होके जो मनोनेत्र को बंद कर लिया है, उस स्थिति से, उस गति से आप बाहर आ रहे हो और सबसे आप आशीर्वाद ले रहे हो. हर तरीका की पशु पक्षाद जीवी जंतु जानवर से हम आशीर्वाद ले रहे हैं. किसी से भी हमने हमारा एनर्जी ब्लॉक कर लिया है, स्नेक से डर है, रेप्टाइल से डर है, कॉकरोच से डर है, सब भगवान की सृष्टि से बनाया हुआ चीजें हैं. किसी को भी देख के हमको नफरत नहीं करना चाहिए. फ्रॉम ऑल द एनिमल किंगडम एंड बर्ड किंगडम वी आर ब्लेस्ड. सारे नागलोक वासी, सर्पलोक वासियों से हम आशीर्वाद ले रहे हैं. जो ब्लॉकेज की वजह हमारा कुंडली में कहीं भी हो, कुज दोष, सर्प दोष, काल सर्प दोष, नाग दोष, जो भी है, entirely, completely, we are clearing. आपकी पीनर ग्लैंड से आप सजेशन दीजिए. यूनिवर्स से एनर्जी लेते रहिए एंड गिव कमांड. आपकी इंफॉर्मेशन एंड थॉट्स कंप्लीट नागलोक वासियों को पहुंचती है. ब्लॉक किया आपने ही है, रिमूव करोगे आप ही हो. सारे नक्षत्र लोक वासियों से हम आशीर्वाद ले रहे हैं. सारे ग्रहांतर
लोकवासियों से, सूर्य लोकवासी, चंद्र लोकवासी, हर ग्रह के अंदर जो भी स्टार्स सेलर में हमारा एंसेस्टर्स हैं, उनसे हम आशीर्वाद ले रहे हैं इस प्लैनेट में हर इंसान के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव होती है. विद ऑल द ह्यूमन बीइंग एनर्जीज हमारा कनेक्टिविटी ओनली लव एंड अफेक्शन एंड पॉजिटिविटी है. वी आर चेंजिंग आवर वाइब्रेशंस एंड आवर थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स. हमारा बॉडी में से जो भी वाइब्रेशंस रिलीज हो रही हैं, हैप्पीनेस, लव केमिकल ही रिलीज हो रही है. यू आर कंप्लीटली क्लियर, ब्लेस्ड. यू हैव अ कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ योर लाइफ पाथ and day by day your soul path is getting cleared. आपने हर वस्तु चीजों से जो भी नफरत है, ब्लॉकेज है, क्लियर करना अपने विजन को स्टार्ट कर लिया है. सो डे बाई डे डेवलपमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट विद इन यू. ऑल योर कोशास एंड चक्रास एंड ऑरा इज गेटिंग बैलेंस्ड एंड डेवलप्ड. Thank you to all the higher beings. Thank you to all the higher beings who have helped in this process. Thank you to all the soul gurus and my physical gurus who have trained my soul for this meditation. Thank you to Patriji, Mother Babaji. Thank you to all the Pyramid Spiritual Society and Crystal Empire. दोनों हाथ को आंख के ऊपर रख के धीरे धीरे कम इन टू दिस फिजिकल वर्ल्ड. टेक ए लॉन्ग ब्रीथ एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल एंड हैप्पी. ओके मास्टर्स, एक्चुअली थर्ड आई का मतलब बहुत सारे लोग कुछ और सोच के आए होंगे. आपकी विजन ही मैंने बदल लिया था और थर्ड आई के थ्रू हम देख भी सकते हैं, मगर जब पावर नहीं है तो स्ट्रेन होती है. जब आपके पास पावर है तो स्ट्रेन नहीं होती है, विजन दिखती है, वरना तो आपकी पीनल ग्लैंड स्ट्रेन होती है. ओके, सो अभी हम फर्स्ट पात्र को शुद्ध करके फिर हम खीर बनाएंगे. पात्र को शुद्ध नहीं करके फिर हम कितना भी दूध डालते हैं, दूध पड़ते हो जाएगी. सो ये 7 days हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीका से हमारा सोल जो भी ब्लॉक कर लिया उसको क्लियर करेंगे. इसके बाद फिर हम हायर प्रैक्टिसेस स्टार्ट करेंगे. आई कैन सी योर हैप्पी फेस स्माइलिंग. नमस्ते. ओके.